हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड. टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? इट्स चैप्टर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, चैप्टर 6 ऑन द ट्रेल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेल? अ रूट दैट इज फॉलोड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. हम किसी रूट को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेल. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. This is a description. The word trek was derived from the Dutch verb trekken, which means to pull. It became an English word in the mid-19th century, and it means a long, arduous journey, typically on foot in areas where common means of transport are generally not available. Okay, let us read an account of trek along of many Himalayan routes that are famous for attracting a large number of trekkers. Hope you understand this line. Start. What narrator is saying? Let's start. My intentions were good. The day my Nepal journey was confirmed, I started running more regularly and I started climbing stairs too. Though the track was said to become moderate, I was told that there were some difficult section. I had 3 months to get in shape, but work and laziness meant that I didn't exercise as much as I should have. What is the meaning of that paragraph? What narrator is saying in this paragraph means, मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी. इंटेंशन वर गुड. नेपाल की जो जर्नी थी लगभग वॉज कन्फर्म्ड हो चुकी थी. एंड जब नरेटर को ये पता चला कि मेरी जर्नी कन्फर्म हो गई है, तो उसने क्या करना शुरू करा, क्योंकि उसे ट्रैकिंग करनी थी तो उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल फिटनेस चाहिए. हमें कहीं पर रनिंग भी करनी होती है तो उससे पहले हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. तो क्या किया नरेटर ने? नरेटर स्टार्टेड रनिंग मोर रेगुलरली, मीन्स उसने रेगुलरली रनिंग करना शुरू किया, स्टेयर्स क्लाइंब करना शुरू किया. और क्या करना शुरू किया? उसको पता था कि जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी सी क्या थी, टू बी मॉडरेट, और उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं. बट उसको क्या लगा, आई हैड 3 months टू गेट इन शेप. उसको 3 months, बट वॉक एंड लेजीनेस मीन आई डिडेंट, मतलब जितना उसको करना चाहिए था, जितनी एक्सरसाइज, जितनी प्रैक्टिस नरेटर को करनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ वर्क और लेजीनेस की वजह से वो उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाया, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया. सो नाउ आई वॉज स्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेल. अब क्या था, टू बूंदी. अब वो वहाँ पर खड़ा था जहाँ से क्या होनी थी, उनकी ट्रेल शुरू होनी थी. मतलब उन्हें एक रूट अब फॉलो करना था किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए. एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ ट्रेल. सो द साइड ऑफ द फर्स्ट नाइट कैंप, पहली जो नाइट कैंप की साइड थी वो कहाँ थी? बूंदी. आई वॉज वंडरिंग हाउ गुड आई वुड बी कंपेयर टू माई फेलो ट्रेकर्स. उसने अपने आप को कंपेयर किया और वो वंडर करने लगा कि मैं कितना उनके कंपेरिजन में कितना गुड हूँ. द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ट्रेल असेंडेड अ स्टोन स्टेयर केस. पहला जो सेक्शन था वो क्या था, स्टेयर केस, एंड इट केप्ट ऑन क्लाइंबिंग, चढ़ना था. द मिनट वी हिट अ फ्लैट सेक्शन, जैसे उन्होंने एक फ्लैट सेक्शन को हिट किया, वी वुड फाइंड अनदर सेट ऑफ स्टेयर्स. अब उन्हें दूसरा सेट ऑफ स्टेयर्स मिल गया. जैसे पहले उन्होंने स्टोन स्टेयर केस चलना शुरू किया, उसके बाद उन्हें दूसरा सेट मिल गया एक स्टेयर्स का, जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में था. आफ्टर लेस देन एन आवर ऑफ क्लाइंबिंग, आई वॉज ब्रीथिंग हार्ड, स्वेटिंग प्रोफ्यूसली एंड वरिंग. क्या होने लगा, जैसे ही लेस देन एन आर, अभी वो पूरा घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ उन्हें, उनको क्या होने लगा, ब्रीथिंग बहुत तेज़ी से, उन्हें हार्ड ब्रीथिंग मीन्स थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी. बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूसली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, उन्हें पसीना आने लगा. बट आई वॉज नॉट अलोन, लेकिन नरेटर ने अपने आप को फील किया कि मैं अकेला नहीं था. क्या होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं, या हम कभी आपने एथलीट गेम्स देखे हो, जब उसमें रनिंग कर रहे होते हैं, अगर हमारा मॉरल थोड़ा सा भी डाउन होता है तो हम पास वाले को देखते हैं कि ये भी कितना अच्छे से करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है. तो ऐसे ही नरेटर को क्या था, उसने सोचा कि मैं अकेला नहीं हूँ.
The trip had attracted a wide variety of people ranging from 27 to 23 in age. बहुत ज़्यादा range थी किसकी, लोगों की जो उनके साथ जो उसके fellow trekkers थे जिनकी age around 27 and 23 की mid में थी. Their levels of fitness and trekking experience also varied. और सबका अपना अपना एक experience था, किसी की fitness ज़्यादा अच्छी थी तो किसी की कम अच्छी थी, सबका vary कर रहा था. For one of the participant, a lawyer. उसमें एक जो participant था वो lawyer था. This was the first time he had ever been camping or hiking. पहली बार जो lawyer था वो पहली बार ये सब कर रहा था, hiking or camping. Although a few of the physical fitter trekkers were far ahead of the group. कुछ ऐसे थे जो थोड़ा दूर थे group से, मतलब कुछ fellow trekkers ऐसे थे जो दूर थे group से. Most of us were lagging. What is the meaning of lagging? Falling behind. मतलब पीछे थे. One or two people were really struggling. कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा struggle कर रहे थे. It was not by accident that the first part of this trek was only half a day. पहला दिन जो था वो half a day. About midway to camp, our Sherpas greeted us fresh lemonade and a snake of toast and scrambled eggs. About midway the camp, मतलब आधे रास्ते में कैंप के शेरपास. कौन होते हैं शेरपास? शेरपास होते हैं कि जो जब कोई माउंटेन पे क्लाइंबिंग करता है ना, तो कह सकते हो दिस इज़ द मीनिंग आई थिंक है. यस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नेपाल, शेरपास, known of their mountain climbing skills. वो अपने क्लाइंबिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं. कौन? शेरपास. राइट, तो ग्रीटेड अस विद, उन्होंने उनको ट्रीट किया जैसे कोई थक जाता है तो उसे हम थोड़ा पानी वाने पिला देते हैं. ऐसे शेरपास ने क्या किया, ग्रीटेड मीन्स उनका वेलकम किया फ्रेश लेमनेड से और स्नैक टोस्ट से और स्क्रैम्बल्ड एग. मतलब स्क्रैम्बल्ड एग्स अगर आपने कभी टेस्ट किए हो तो अंडे की भुजिया टाइप को हम कहते हैं. ठीक है, दिस लिफ्टेड आर स्प्रिट. इससे क्या हुआ, अब जब हम कहीं बाहर से थके आ रहे हैं, थके हुए हों और हमारी मम्मा हमें फटाफट से एक फ्रेश ड्रिंक दे दे तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं. ऐसे इससे क्या हुआ, दिस लिफ्टेड आर स्प्रिट. इससे हमारी जो स्प्रिट थी एंड शूटेड आवर वेरी लिप्स. उससे क्या हुआ, उनकी उनको एक क्या मिला, बहुत ज़्यादा वो थके हुए थे उससे उनको एक रिलैक्स मिला. We congratulate ourselves for having reached so far and encourage one another to continue up the hill. हमने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हम इतना इतना दूर आ गए हैं और कंटिन्यू करने के लिए एक दूसरे को मोटिवेट भी किया, एनकरेज भी किया. When we finally crossed over the hill, we had climbed more than 800 meters. क्या किया, ओवर द हिल, पहाड़ी से गुजर कर गुजरे वो और उन्होंने मोर देन 800 मीटर्स क्रॉस कर लिया. वी हैड वॉक मच मोर देन दैट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ऑफ कोर्स. वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैलकुलेटेड दैट दिस वाज मोर देन 3000 स्टेयर्स बट वाज कंटिन्यू. एक जो पार्टिसिपेंट था वो क्या कर रहा था, वो काउंटिंग कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कि हम अब तक कितना